तो हेलो दोस्तों, मैं हूं एलेक्स और आप देख रहे हैं एलेक्स फिल्म प्रोडक्शन। और आज हैं हम मेरे साईं के सेट पर। तो अंदर चलते हैं, देखते हैं कि होता है क्या और किस तरीके से सेट बना हुआ है। तो आइए चलते हैं। तो आज हम आ चुके हैं मेरे साईं में और आज है हमारे साथ में मनीष भाई हमारे, क्योंकि पूरी जो हमारी टीम है एलेक्स फिल्म प्रोडक्शन की, वो उनको पूरा देख रहे कि इनके अंडर में है और कौन क्या करेगा वो भी आधे से ज़्यादा ये फिक्स करते हैं। तो आज ये हमें मेरे साइड में विजिट करवाएंगे कि कौन सा क्या है और कहां पर किसका किरदार है। तो चलिए मनीष भाई के पीछे पीछे। ये जो है कुलकर्णी वारा है, इसमें विलन दिखाया गया है। इसमें जो विलन है जो मेरे साईं में, वो उसका घर है। हाँ। तो अंदर थोड़ा सा चले। मेरे साई देख रहे हैं तो आपको सबको पता है कि इसमें क्या क्या चीज़ होती है, तो मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी हम छोटी छोटी सी चीज़ें हम आपको ब्रीफ करते रहेंगे मनीष भैया के माध्यम से। घूमेंगे दीक्षित वाड़ा। तो यहाँ पर कोई भी मेहमान आता है साई मतलब मेरे सीढ़ी में, तो उसको यहीं पर रुखाया जाता है। अब यहाँ पर देखेंगे जेल का सामान है और मनीष भैया बता रहे हैं कि कल यहाँ पर जेल बना था, क्योंकि फिल्म मेकर की जो खास बात होती है कि वो अपनी जगह को एक ही जगह पर सेटअप को चेंज करते रहते हैं। तो और भी देखते हैं, आइए। जो पुराना आर्किटेक्चर जो आप देख रहे हैं, वो आर्ट डायरेक्टर और जो कारीगर हैं उनकी सफाई जो देखते हैं आप, तो यहाँ पर जो सफाई आप देख रहे हैं वो पुराना पैटर्न, पुराना जो आप देख रहे हैं कि ये आजकल मिलती नहीं है, पर ये बनाई गई है और ये काफ़ी समय से शूट चल रहा है और हमारे मनीष भाई को 4 साल हो गए इसी सेट पे। तो क्योंकि मेरे बहुत अच्छे मित्र भी हैं तो उन्होंने बुलाया कि चलो आ जाओ सेट पे, क्योंकि जैसे इनको पता चला कि हम मुंबई में हैं तो उन्होंने कि हमारे जो आर्टिस्ट हैं, जैसे कि लोकेन जी से तो आप मिल ही चुके हैं, हमारे तेजस जो है वो भी आज मेरे साई में है, तो तेजस से हम समझेंगे कि क्या है क्या नहीं, वो थोड़े से देर से। ये देखिए राम किशन जी की जो है यहाँ पर सीढ़ी में भंडार घर है, आप देख सकते हैं। और अब जो पल जो आपको सामने आने वाला है वो मेरे साई में साई का दरबार जहाँ लगता है बोले तो मेरे सीढ़ी के साई, तो देखेंगे। शादी का जो डेकोरेशन देख रहे हैं मनीष भैया बता रहे हैं कि शादी का सीन लगा है। ये जो आप देख रहे हैं मारुति मंदिर है, उस पास पास में सभी सेट है, पर आप जो देखते हैं शूट पे तो उसको कुछ अलग ही ढंग से बनाया और दिखाया जाता है। तो यहाँ पर जो है
हनुमान जी की जो प्रतिमा है यहाँ पर रखी जाती है, बट अभी यहाँ से हटा दी गई है। जब भी सीन लगेगा तो यहाँ पर रख कर फिर उसकी तैयारी और शूटिंग होती है यहाँ पर। ये है अप्पा 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 हाउस, आप देखें पास में जाकर। तो बहुत ही क्लियर दिखा रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो दिखा रहे हैं। आप देखिए कि किस तरीके से अंदर से सारी चीजें बनाई जाती है। तो आज हमारे साथ में जो है वो है उत्सव, बहुत इसके कारनामे सेट पे खतरनाक है और सुन सुन के हम दंग है, पर ये मेरे साई वगैरह में बहुत सारे सीरियल्स में करे तो उसकी कोई झलकी है वो मैं बताऊंगा। पर पहले हम जानेंगे उत्सव को उत्सव से कि भैया सेट पे कैसा लग रहा है और काफ़ी समय हो गया, कितने समय हो गया अभी आके? मुझे 15 दिन से ऊपर हो चुके हैं और सेट पे मुझे काफ़ी अच्छा ज़्यादा काम मिल रहा है और मैं एलेक्स प्रोडक्शन की तरफ से ही आया था और मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को मिल रहा है और यहाँ से बहुत सारे आर्टिस्ट जो है बड़े बड़े निकल के गए हैं और ये सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है यहाँ का। और हमारे एलेक्स सर हर बच्चे की मदद करते हैं और इन्होंने बहुत ही ज़्यादा आर्टिस्ट को बहुत ऊपर लेवल तक पहुँचाया है और आप बाकी सब इन्हीं से जान सकते हैं। ये तो सब तारीफ़ें हैं और तारीफ़ें तो चलती रहती है, पर मेन चीज़ है कि हम चाहते हैं कि जो भी आर्टिस्ट आना चाहते हैं फिल्म इंडस्ट्री में काम करना चाहता है तो सही मौका है, क्योंकि अभी जितने भी सीरियल चल रहे हैं जैसे कि हमारे मनीष भाई भी हमारा सहयोग कर रहे हैं, हमारे आर्टिस्ट को ध्यान देते हैं कि उनको कितना अच्छा किरदार मिल सके और काम मिल सके। तो ये सिलसिला चलता रहेगा। अगर आप नए हैं तो हमसे जुड़ सकते हैं, दिए गए नंबर पर आज ही कॉन्टेक्ट करें और एलेक्स फिल्म प्रोडक्शन से जुड़ जाएँ। अब आप सब अभी हमने सब विजिट तो कर लिया, पर हमारा जो कलाकार हैं ये है तेजस। और तेजस कहाँ से हो? सर एमपी इंदौर। तो ये है एमपी इंदौर से ही हैं क्योंकि हमारे शहर से हैं। तो ये क्या है 5 तारीख को यहाँ पर पहुँचे और वैसे 2-3 दिन से कंटिन्यू शूट कर रहे हैं, पर मेरा सेट पे आना अभी हुआ। तो हम समझेंगे कि तेजस कैसा लगा तुमको एलेक्स फिल्म प्रोडक्शन से जुड़ कर और जैसे काम कर रहे हो तुम? बहुत शानदार सर, जैसे ही आया उसी दिन से मुझे एवरी डे वर्क मिला है और जैसे अभी साई मेरे साई के सेट पे हैं और उससे पहले देवी अहिल्या के सेट पे थे हम, एवरी डे वर्क हो रहा है और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ एलेक्स प्रोडक्शन का और सर आपका कि मुझे मैं सोचा नहीं था कि मैं इस टीवी पे आ पाऊँगा या फिर जो सिर्फ सोच थी वो सोच ही रह जाएगी ऐसा लगा था, लेकिन नहीं आज वो सपना सोच पूरा हो पा रहा है तो थैंक यू वेरी मच सर। मतलब जो प्रोडक्शन बोल रहा है यूट्यूब वगैरह पे इन पे वो सही है या नहीं? डेफिनेटली सर बिल्कुल सही है, मतलब जो हम काम का बोल रहे हैं वो काम दे रहे हैं क्योंकि बहुत सारे आर्टिस्ट हमारे काम कर रहे हैं और जैसे कि लोकेन हमारा जो है वो वहाँ पर है और बहुत सारे आर्टिस्ट और भी सेट पे काम कर रहे हैं। ये भाई साहब भी हमारे जो है सेट पे हैं, क्या नाम है आपका? भानु प्रताप सिंह। भानु प्रताप जी कहाँ से हैं आप? यूपी से जुड़े हुए हैं हमसे और ऐसे बहुत सारे जो है आर्टिस्ट हमारे साथ में हैं और हमारी जो टीम है वो रतलाम की टीम जो हमारे जो है जय भाई है जो एज ए फिल्म प्रोडक्शन से हैं वो भी हमसे जुड़े हुए हैं और हमारे जो पहलवान हैं रतलाम के पहलवान हैं ये भी आए हैं आज सेट पे, तो इनकी भी बाइट लेंगे कि आज ये बताओ कि सेट पे आके आपको कैसा लगा? तो सेट पे आके कैसा लगा आपने सब घूमा और अभी हम जाएंगे भाभी जी के घर पे सेट वाले पे, तो ये वाला सेट कैसा लगा? ये वाला सेट बहुत अच्छा लगा, यहाँ पर मतलब सब अलग अलग प्रकार के घर वगैरह मंदिर वगैरह सब देखने को मिले, मतलब पूरा सेट बना हुआ एक ही जगह पर, अलग अलग प्रकार के मतलब सेट बनाना एक ही जगह पर और मतलब सब कंट्रोल करके चलना। कहने का मतलब ये है कि एक ही जगह पर आपको सभी सेट भी मिल रहे हैं पर आप जब शूट होगा तो आपको पता नहीं चलता है कि ये इतने पास पास में भी सेट होंगे, तो ये सब चीज़ आपको मिल रही है देखने को भी और काम करने को भी, क्योंकि आज जो है वो है शादी का सीन। तो दूल्हे दुल्हन आ चुके हैं, जरा कैमरा घुमाइए। तो अभी हमारे बीच में गुरमीत है और गुरमीत पहचान में नहीं आ रहा, मैं शॉक्ड हो गया था कि इसको चिकना बना दिया है मेरे साई में। और लोकेन से तो आप मिल ही चुके हैं और बाकी की टीम और भी शूट पे है तो मिलते रहेंगे बैक टू बैक स्टेप बाय स्टेप। तो चलो सेट पे।